Sri Amit Shah ji, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991. संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर आमने सामने नजर आ रही है। इस बार टकराव का कारण है सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक। इस विधेयक में उपराज्यपाल की भूमिका को मजबूत करने की बात कही गई है और दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। जाहिर है कि संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा और दिल्ली के शासन प्रशासन में उपराज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कहा है। हालांकि केंद्र सरकार, चूंकि उसने इस बिल को पेश किया है, इस पर कहती है कि इससे उनका कोऑर्डिनेंस बेहतर हो जाएगा। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीटी बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है, ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा, दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो। ऐसे में आपको बताते हैं क्या कहता है बिल। कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली सरकार को एलजी की राय लेनी होगी। एलजी उन मामलों के बारे में निर्णय ले सकेंगे जिसमें उनसे राय मांगी जाएगी। विधानसभा में लाए जा रहे किसी भी कानून का अर्थ ये है कि उस पर एलजी की स्वीकृति है। विधानसभा या उसकी कोई भी कमेटी प्रशासन के फैसलों को जांच नहीं सकती। इसके अलावा वो सभी नियम रद्द किए जाएंगे जो कि उल्लंघन कर बनाए गए हैं। वैसे भी आप सरकार और एलजी के बीच में झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अब इस विधेयक के संसद में आने के बाद मसला और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार अब इस मामले के कानूनी पहलुओं को देखने में जुट गई है। उसके मुताबिक इस विधेयक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। वही केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच छिड़ी इस जंग में कांग्रेस भी कूद गई है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर बिल पास हुआ तो दिल्ली में सिर्फ उपराज्यपाल का राज होगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और कार्य सरलता के साथ हो, इसी नियत के साथ ये विधेयक लाया गया है। बीजेपी ने साफ किया है कि दिल्ली की समस्याओं को दूर करने में जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने के लिए ही ये विधेयक लाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार वैसे भी पूर्णतः मुख्यमंत्री की नहीं होती। राज्य में पुलिस फोर्स दिल्ली सरकार के नियंत्रण में ना रहकर केंद्र के नियंत्रण में रहती है। इसी वजह से सीएम केजरीवाल खुद को दिल्ली का एक चौथाई मुख्यमंत्री भी कहते हैं। केंद्र सरकार अब वहां की सरकार के अधिनियम में
धारा 44 का प्रावधान जोड़ना चाहती है। इसके तहत सरकार, राज्य सरकार, प्रशासक या मुख्य आयुक्त या किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी आवश्यक होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कई बार अधिकारों की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच का फैसला आने के बाद लगा था कि ये मसला अब सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन फैसलों में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित कर दिया था। इन फैसलों के बाद लगा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अब एक बार फिर ये मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पारित इस विधेयक के कानून बनने के बाद उपराज्यपाल की शक्तियों में काफी इजाफा हो जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।